सीएम शिवराज सिंह ने बहनों के लिए गाया गाना, देखें कैसे गुनगुना उठी पूरी जनसभा। शिवपुर की धरती पर अद्भुत नेता है हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन आज जब मैं आया तो एक गाना बज रहा था, वो गाना बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता है और कई बार अपनी बहन के लिए भी मैं वो गाना गाता था। आज मेरी इतनी बहनाएं पानी के बावजूद आई है और इसलिए आओ मेरी बहनों, आज तुम्हारे साथ भी वो गीत मैं गुनगुनाऊं, तुम भी मेरे साथ गाना। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक बार गाओ मेरे साथ, गाओ जोर से। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। आ मेरे पास आ कह जो कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। बहना हो ना मेरी, अच्छा जोर से बोल के बताओ, बहना हो। मैं भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला, सगा हूं। मेरी बहनों, आपके इस प्यार के लिए मैं सत बार प्रणाम करता हूं। और ये जो लाडली बहना योजना बनाई, ये योजना अंतरात्मा की आवाज पे बनाई। अभी जब सिंधिया जी बोल रहे थे तब लाडली लक्ष्मी की बात कर रहे थे। मेरी बहनों, बेटियों के साथ बताओ अन्याय हुआ कि नहीं? अपने यहां भी अगर बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, भैया आया है, लड्डू बांटो, मिठाई बांटो, ढोल बजाओ, बेटा आया है। लेकिन बेटी अगर पैदा हो जाए तो माँ का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कोई आफत आई हो, बेटी को आफत मान लिया। और धीरे धीरे तो यह हालत हो गई कि अगर पता चल गया डॉक्टर के माध्यम से कि कोख में आने वाला बेटा है कि बेटी है, अगर बेटी आए तो पेट में ही मार दो, कोख में ही मार दो। अरे कोख को कतल खाना बना दिया मेरी बहनों, कोख को कतल खाना बना दिया। और इसके कारण यह होने लगा कि बेटे ज्यादा पैदा होने लगे और बेटी कम जन्म लेने लगी। 1000 बेटों पे 900 बेटियां रह गई, 912 बेटियां। और इसलिए तब सबसे पहले हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। मेरे मन में यह संकल्प पैदा हुआ, मुझे लगा कि बेटी को क्यों दुनिया में नहीं आने देते, इसलिए नहीं आने देते कि बेटी बोझ है। तो मन में विचार आया कि शिवराज ऐसी योजना बनाओ कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा हो तो लखपति हो लखपति। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना में हमने तय किया कि बेटी अगर जन्म लेगी तो 2 बेटियों तक वो लाडली लक्ष्मी होगी। उसके नाम से बेटी के पैदा होने के बाद पैसा जमा सरकार कर देगी, और जब वो पढ़ाई करेगी, 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 11वीं में 6000, 12वीं में फिर 6000, और कॉलेज में जाएगी तो मेरे बहनों और भाइयों चिंता मत करना, मामा 12500 रुपया बेटी के खाते में डालेगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12500 डाले जाएंगे, और 21 साल की होगी तो सीधे 1,00,000 रुपया बेटी को मिल जाएंगे।